नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। रविवार सुबह सुभाष चौक पर आयोजित किया गया राहगिरी प्रोग्राम, ऊर्जा संरक्षण के बारे आमजन को किया गया जागरूक। शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे व शहरवासी हुए शामिल। जिला पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा शहर के बीचों बीच स्थित सुभाष चौक पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहा, जिसमें शहरवासियों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज का राहगिरी कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण की थीम पर आयोजित किया गया था और राहगिरी भाग लेने वाले आए आमजन को ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। डीएसपी राजेश कुमार व एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को नशे जैसी बुराई के खिलाफ भी जागरूक किया जाता है और उन्होंने बताया कि राहगिरी कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य है कि पुलिस भी आम जनता के संबंधों को और अधिक मजबूत किया जाए। इस कार्यक्रम में रोजमर्रा की भागदौड़ में तनावपूर्ण जिंदगी से निजात पाने के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस व जनता अपने विचार साझा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि आज के राहगिरी कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज जो है एनर्जी कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन डे जो है बच्चों के थ्रू मनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेयर किया जा सके कि पावर को कैसे सेव करना है, एनर्जी कैसे सेव की जा सकती है, इसके तौर तरीके जो है पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है। आज का राहगिरी का थीम है जी ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन का थीम है, जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो जल से है, चाहे बिजली से है, पानी से, कोई भी वो एनर्जी बचाने का थीम है। उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन भी रखा हुआ है और मेन मकसद है लोगों को अवेयर करना कि एनर्जी बचाना ही एनर्जी उत्पन्न करना है। तो लोग जाके और बिजली सेव करें, पानी सेव करें, सोलर एनर्जी पे आएं। तो उसके लिए आज एसडीएम साहब खुद आज समय निकाल के आए हुए हैं हमारे बीच में। एक्शन बिजली बोर्ड, एसडीओ बिजली बोर्ड, वो सब आए हुए हैं और लोग भी आज आप देख ही रहे हो, बहुत भारी संख्या में लोग भी आए हुए हैं। चल रहा है, देखिए राहगिरी का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल हो और लोगों के बीच जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। कुछ और भी जैसे बच्चे भी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, इस तरह भी प्रोग्राम होता है, इसमें इस तरह बच्चे भी मोटिवेट होते हैं? हाँ हाँ, श्योर, आप देखते ही हैं कि भी यहाँ हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस के बच्चे और अभी जो पेंटिंग कर रहे हैं बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। राहगिरी कार्यक्रम एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक में रिलेशन बढ़ता है, अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। इसके अलावा राहगिरी प्रोग्राम जो है वो अच्छे संदेश देता है, जैसे नशा मुक्ति के प्रोग्राम के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, या जितने भी थीम्स लेके आते हैं, या बच्चों में जो गेम्स, ड्राइंग कंपटीशन या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, छोटे बच्चों को हौसला मिलता है इन सब कार्यक्रमों से और ये रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली होते रहने चाहिए। आज इस प्रोग्राम में हम ड्राइंग कंपटीशन में गुरप्रीत को लेकर आए हैं, देशभक्ति के सॉन्ग में हमारे बेटी या साहिब जोत, उसको लेकर के आए हैं, तो इन बच्चों का हौसला बढ़ता है आगे बढ़ने में, इस तरह के प्रोग्राम पेश करने में, और देशभक्ति का जज्बा जगता है।